हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। और उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त अपने घर में रह रहे होंगे, सेफ होंगे, सेफ जोन में होंगे। और दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की जो फाइट लड़ रहे हैं, पूरा देश, पूरा मुल्क और यहाँ तक कि पूरा संसार इस कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है। तो इसमें हम सबको योगदान देना है, अपने घर में रहना है, जितना भी हो सके अपने घर में रहना है। और मोस्ट मैंडेटरी हो कि कोई चीज़ आपको लेनी है, जैसे ग्रोसरी है या कोई भी ऐसी मेडिकल संबंधी कोई आपको सुविधा लेनी है, तभी आप अपने घर से निकले, वो भी मास्क लगा के निकलें, प्रिकॉशन पूरा यूज़ करें। और घर पे जैसे ही आएँ, पूरे हाथ अच्छे से साबुन से 20 से 25 सेकेंड जरूर धोएं, और अपने को एक सेफ जोन में रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब सेफ रहोगे तभी इंडिया सेफ रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं। मुद्दा है कि मेरे से सवाल पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर हम बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को इस्तेमाल करें, अगर बस का ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या ये सही रहेगा और ये फायदेमंद सौदा होता है? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी बहुत अच्छा और मुनाफेवान और एक अच्छा स्कोप है इसमें, अगर आप इसकी सही नॉलेज और सही गाइडलाइंस को यूज़ करते हो। सबसे पहले, अगर आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना होगा कि मेरे को किस टाइप की बस चलवानी है, किस टाइप की बसों की फ्लीट मेरे को रखनी है, क्योंकि बस का अपना अपना स्टाइल है। अगर आप किसी वेंडर्स के जरिए मतलब अपनी बसें लगवाना चाहते हो किसी कंपनीज में, जैसे MNC होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, या किसी स्पेसिफिक रूट पे अपनी बसों को चलाना चाहते हो, या आप पैसेंजर व्हीकल में उसको यूज़ करना चाहते हो और वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, ये आइडिया आपको डिसाइड करना होगा कि किस वे में आपको बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना है, क्योंकि ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एक जनरल है, फिर एक उसके ऊपर स्पेसिफिक कंपनीज कॉर्पोरेट में आता है, फिर एक आपका टूर एंड ट्रैवल के अंदर आता है, जिसमें गाड़ी बुक होती है, एक टूर से दूसरे स्टेट में जाती है, पूरा टूरिज्म का प्लान होता है उसके अंदर। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है कि बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को हमने को किस वे में इस्तेमाल करना है, किस वे में हमें अपने बिजनेस को प्रोसेस करना है। अगर आप कंपनी में अपने बसों की फ्लीट लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अपने आप को अटैच करना होगा। अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स में यानी कि टूरिज्म का काम करना चाहते हो, जैसे दिल्ली से लखनऊ, आगरा और हिमाचल, गुवाहाटी जैसे अच्छे अच्छे प्लेस हैं जहाँ पे लोग घूमने जाया करते हैं, तो वहाँ पे बस की सुविधा लेते हैं, तो क्या आप उस तरीके का अपना टूर एंड टूरिज्म के बिजनेस स्टार्ट करोगे? उस तरीके से आप अपना बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करोगे? या एक होता है लोकल पैसेंजर के, एक स्पेसिफिक रूट होता है जो आपको उस रूट का परमिट मिलता है, उस परमिट के अंदर आप वहाँ की लोकल सवारी को अपनी बस में बैठा सकते हो, उतार सकते हो। वो आपको गवर्नमेंट अथोराइज करती है कि आपको एक इतने स्पेसिफिक टाइम में, इतने स्पेसिफिक एरियाज में अपनी बस को चलाना है, और वहाँ से ही आपको सवारी लेनी है और छोड़नी है। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। इस तरीके से आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कर सकते हो। सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को जो बस ले रहा हूँ वो किस वे में उसका इस्तेमाल करना है। अगर उसका वे आप सही डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि एक बस कम से कम 25 से 30 लाख तक की कॉस्ट बैठती है एक बस की। अगर आप एक बस ले लिए और उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से कैटेगराइज में अपने को देखना होगा कि किस वे में मैं अच्छे बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कर सकता हूँ और जिससे कि मेरी अच्छी कमाई हो सके। तो दोस्तों, ये है वीडियो थी बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। इस चीज़ में मैंने तीन कैटेगराइज चीज़ें बताई हैं कि आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को तीन भाग में बांट सकते हो, जो मेरे पास अभी तक इसकी नॉलेज है। एक जनरल कैटेगरी, जिसमें आप जनरल पर्सन को यूज़ करोगे,
मतलब जनरल पर्सन आपकी बस में बैठेगा उतरेगा, एक जनरल, और एक होता है टूरिज्म वे में, अगर आप बस को चलवाते हो जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो टूरिस्ट में चलती है, और एक तीसरा ये होता है कि किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लीट लगाई जाती है, वहाँ के स्टाफ को लाना ले जाना का काम होता है। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को क्लासिफाई करना है, किस वर्ग में आपको, किस वे में आपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को प्रोसेस करना है। तो दोस्तों अगली भी जो वीडियोस बनाऊंगा मैं वो ये है कि इन बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे 3-4 वीडियोस मैं कवर करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप किसी कंपनी में फ्लीट लगाते हो तो उसमें किस तरीके से कर सकते हो, एक टूरिज्म में अगर बस चलाते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर यूज़ होगा, और एक जनरल कैटेगरी में आप बस चलवाते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ वीडियो को, जिससे कि आपको एक एक बात को आसानी से मैं एक एक वीडियो में बता सकूँ। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, और देश के साथ बने रहना, और अपना भी और अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कहीं कुछ दूसरी वीडियो में जल्द ही। तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।